जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में। एक बार फिर नई वीडियो के साथ आइए जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में शनि देव को कर्म का देवता कहा जाता है। शनि देव हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो उसे शुभ परिणाम मिलते हैं, वहीं यदि किसी व्यक्ति के कर्म खराब होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को नकारात्मक फल भुगतना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शनि देव सभी से रुष्ट रहते हैं। राशि चक्र की 12 राशियों में से 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं? बता रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव की प्रिय राशियों में एक तुला राशि भी है। तुला राशि शनि देव की उच्च की राशि मानी जाती है। तुला राशि के जातकों पर शनि देव की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की राशि तुला होती है उन्हें शनि देव हर प्रकार की खुशियां प्रदान करते हैं। जो लोग अपने कार्यों में असफल हो जाते हैं उन्हें यह विश्वास होता है कि यह असफलता ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। तुला राशि के जातक भाग्यशाली होते हैं। यह मेहनती और बेहद ऊर्जावान भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव की दूसरी प्रिय राशियों में मकर राशि गिनी जाती है। मकर राशि के जातकों पर अशुभ प्रभाव कम देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मकर राशि के स्वामी खुद शनिदेव ही होते हैं। स्वामी ग्रह होने की वजह से जब शनि मकर राशि के शुभ स्थान पर होते हैं तो इन जातकों को अपने अपने क्षेत्र में बुलंदियां प्राप्त होती है। भाग्य का अच्छा साथ मिलने की वजह से इनके हर काम बिना अड़चन के पूरे हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के स्वामी ग्रह भी शनि देव ही माने जाते हैं। शनि देव की विशेष कृपा कुंभ राशि के ऊपर हमेशा बनी रहती है जिसकी वजह से कुंभ राशि के जातक मालामाल होते हैं। इन जातकों पर शनि देव के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। कुंभ राशि के जातक बहुत कम मेहनत में अधिक सफलता अर्जित कर लेते हैं। इन जातकों को शनि देव की कृपा से आकस्मिक धन लाभ होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से जय शनि देव और जय श्री राम लिखना ना भूलें।